दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक गेंदबाज शानदार गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, भारत और श्रीलंका के बीच अब 3 मैचों की T20 श्रृंखला और 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला होने जा रही है, जिसमें सबसे पहले T20 मुकाबले खेले जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला 24 फरवरी को खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले से पहले ही श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ियों जैसे महिला जयवर्धन और कुमार संगकारा ने भारतीय टीम के खिलाफ जहर उगला है और भारतीय टीम की खूब बुराई की है। इस वीडियो में आप ये तो जानेंगे कि इन खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों के बारे में अपना क्या सनसनीखेज बयान दिया है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको क्या लगता है, कुमार संगकारा और सचिन तेंदुलकर में से कौन शानदार बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अभी हाल ही में श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम से T20 मुकाबले में 4-1 से हार कर आई है। हालांकि वो बात अलग है कि पिछले मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने शानदार रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा दिया था। लेकिन दोस्तों फिर भी श्रीलंका की टीम भारतीय टीम से टक्कर लेने की बात कर रही है और भारतीय टीम को हराने की सोच रही है। वहीं दोस्तों अगर भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम अपनी पिछली श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज की टीम को 3-0 से क्लीन स्वीप करके आ रही है। इससे पहले भारतीय टीम ने वनडे में भी वेस्टइंडीज की टीम को 3-0 से धूल चटाई थी। लेकिन भारतीय बल्लेबाज और दिग्गज खिलाड़ियों में से कोई भी श्रीलंका के मैच को लेकर ऐसी बात नहीं कर रहा है कि हम उनको निश्चित रूप से ही हरा देंगे। लेकिन श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाजों को तो श्रीलंका की टीम पर बहुत ही ज्यादा घमंड है और वो ये तय कर चुके हैं कि भारतीय टीम श्रीलंका की टीम के सामने कुछ भी नहीं है और भारतीय बल्लेबाजों में इतनी ताकत नहीं है कि वो श्रीलंका के गेंदबाजों का सामना कर पाए और उन पर कुछ रन बना पाए। दोस्तों श्रीलंका के दिग्गजों ने बयान को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि वो भूल गए हैं जब भारतीय टीम से पिछली बार वनडे में टकराए थे तो उनका क्या हाल हुआ था। इसके बाद दोस्तों कुमार संगकारा ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय टीम श्रीलंका की टीम के सामने टिक नहीं पाएगी क्योंकि श्रीलंका के बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी पर आक्रमण करेंगे और फिर उन पर दबाव बनाकर मैच जीत लेंगे। दोस्तों इसके बाद महिला जयवर्धने ने भी अपनी सनसनीखेज बयान जारी करते हुए कहा कि श्रीलंका के पास ऐसे शानदार तेज गेंदबाज हैं जिनके सामने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे शानदार बल्लेबाज भी नहीं टिक पाएंगे। श्रीलंका के पास बहुत ही शानदार गेंदबाजी है और हमें हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि वो जीत कर ही लौटेंगे और भारतीय टीम का घमंड तोड़ देंगे। दोस्तों आपने सुना श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम पर अपना कैसा बयान जारी किया है। इसको सुनकर तो हमें ऐसा ही लगता है कि श्रीलंका की टीम को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास है। ये तो दोस्तों हमें समय ही बताएगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी और किस टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी अधिक मजबूत है। वैसे वेस्टइंडीज की टीम को हराने के बाद भारतीय टीम ICC T20 नंबर 1 टीम बन चुकी है। अब तो हम आपको बताते हैं उस सूची में श्रीलंका का स्थान बहुत ही नीचे है और वो दुनिया की नंबर 1 टीम को हराने की बात कर रही है। दोस्तों क्या श्रीलंका के इन दिग्गज खिलाड़ियों के बयान सच साबित हो सकते हैं? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 और टेस्ट श्रृंखला में श्रीलंका की टीम भारतीय टीम पर भारी पड़ेगी और उनको हरा देगी? दोस्तों आप अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।